ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है। इस पर तमिल में लिखा है कि चर्च बनाने में कोई रुकावट न आए, इसलिए ये लोग हिंदू देवता गणपति की पूजा कर रहे हैं। इसी दावे के साथ ये तस्वीर कई यूजर्स ने ट्वीट की, वहीं फेसबुक पर भी ये तस्वीर वायरल है। लेकिन जांच करते हुए ऑल्ट्यूज ने पाया कि इस तस्वीर के साथ शेयर किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत है। गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें पता चला कि ओम लंका नामक एक वेबसाइट ने ये तस्वीर पब्लिश की थी। फिलहाल ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, लेकिन इसका आर्काइव वर्जन वेबैक पर मौजूद है। इस वेबसाइट ने 20 जनवरी 2016 के एक आर्टिकल में ये तस्वीर पब्लिश की थी, जिसके साथ और भी कई तस्वीरें मौजूद है। आर्टिकल में बताया गया है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा के क्षेत्रीय निदेशक सहदुल नजीम और श्री निर्मलेश्वर कुरुकल ने की थी। खबर के मुताबिक थाई पोंगल त्योहार के मौके पर श्रीलंका के सम्बमथुरई जिले में ऐसा रिवाज है कि बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धर्म के नेता ये त्योहार मनाने के लिए साथ आते हैं। 2015 के इस आर्टिकल में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की ये तस्वीरें शेयर की गई है, जिसमें शिक्षा निदेशक सहदुल नजीम दिखते हैं। इन्हें ओम लंका के 2016 के आर्टिकल में मौजूद तस्वीरों से कंपेयर करने पर इतना तो साफ हो जाता है कि ये तस्वीर श्रीलंका की है। ऑल्ट न्यूज ने श्रीलंका की पत्रकार दिल रुक्षी हंडू नेट्टी से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि श्रीलंका में तमिल हिंदू थाई पोंगल मनाते हैं। श्रीलंका में अंतर धार्मिक आंदोलन भी हुए हैं, जिनमें बहु धार्मिक और बहु सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों में इलाके के लोगों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। तो जैसा कि हमने देखा, ये तस्वीर श्रीलंका की है, जहां अंतर धार्मिक उत्सवों में अलग अलग धर्मों के लोग शामिल हुए थे। लेकिन उस उत्सव की सिर्फ एक तस्वीर शेयर कर भारतीय सोशल मीडिया पर गलत दावा किया गया कि चर्च बनाने में कोई रुकावट न हो, इसलिए नन हिंदू देवता गणेश की पूजा कर रही है।